माली समाज ने मदार गेट पर लगे ट्रांसफार्मर को लेकर किया प्रदर्शन। समाज के प्रतिनिधि मिले एबीवीएनएल के एमडी से, एक हफ्ते का दिया समय। अभी कुछ महीने पहले ही भीषण गर्मी के शुरू होने के साथ ही मदार गेट पर स्थित ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई थी, जिसकी वजह से कई दुकानदारों को भी भारी नुकसान हुआ था। ऐसी हानि फिर से न हो इसके लिए आज माली समाज ने मदार गेट पर प्रदर्शन किया और उनकी मांग है कि ट्रांसफार्मर को सुरक्षित जगह पर लगाया जाए, जिसके लिए आज समाज के जनप्रतिनिधि बिजली विभाग के एमडी से भी मिले, जिन्होंने एक हफ्ते का समय दिया है जगह ढूंढने और व्यापारियों से वार्ता करने के लिए। ये प्रदर्शन तो इस बात से हुआ है कि ये मदार गेट पे हमारी समाज के बुजुर्ग 100 साल से इस जगह बैठ के व्यापार कर रहे हैं और अपना पेट रोजगार कर रहे हैं, और नगर निगम और जो भी 100 साल पुराना इनके पास में कागज़ भी है कि हमको बैठ के कमाई करना। टाटा पावर वाले ने ये ट्रांसफार्मर लगाया, बिजली सबको भी चाहिए, परंतु कुछ 3 जने ऐसे हैं जो बेरोजगार होने की इस कदार में, जिसके एक कैंसर है, एक विधवा है, ऐसे लोग हैं जिनके पास में रोटी रोजगार का कोई साधन नहीं है। उस आधार में मैं यहाँ पर आया, टाटा पावर उसके CEO से मिल के आया, और नगर निगम भी क्या गाड़ी आई उनसे भी मैंने बात करी है। हमें हफ्ता भर का सहयोग दिया। आज मेरे के इस मदार गेट के व्यापारियों से बात करके, एक ऐसी जगह है जहाँ किसी को तकलीफ नहीं है, हो नहीं सकती है, वहाँ ये ट्रांसफार्मर लगाया जाए, जिससे कारण वहाँ पे कोई ऐसी अव्यवस्थित काम नहीं होगा, किसी का व्यापार ख़राब नहीं होगा। हम चाहते सब व्यापार करें, परंतु ऐसी जगह ये 3 जो व्यापारी हमारे माली समाज के लोग हैं, इनका ये रोजगार नहीं खत्म हुआ। इसके लिए मैं MD साहब से मिला हूँ, CEO इसका नाम क्या टाटा वाले CEO से मिल के आया हूँ। उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया है मदार गेट के अंदर, आप इनको राजी कर लो, जगह ढूंढ लो, हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब के वार्ता लाभ में कोई वार्ता नहीं हुई हो, माली समाज के लोग हटेंगे तो यहाँ मदार गेट पर सभी हटेंगे, ये भी कहता हूँ आपको। अभी थोड़ी देर 1 घंटे बाद आग लग गई थी, उसी कारण हमारे भाई बंधुओं को हम ये भी समझा रहे हैं कि कुछ ऐसा सोल्यूशन ढूंढो जिसके कारण कभी कोई आग लगती हो तो अपने जन हानि ना हो और किसी और आदमी इसके अंदर झुलझे ना, ऐसा हम भी नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि जनता की भी सेवा होए, जनता को बिजली भी चाहिए, इनको व्यापार भी चाहिए, कुछ रास्ता ढूंढेंगे। एक हफ्ते में नहीं ढूंढेंगे तो बाद में बात बताएंगे आपको। महेश चौहान, OBC कांग्रेस अध्यक्ष महेश चौहान।